वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। बट फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं अंग्रेजी मीडियम के एग्जैक्टली 2 महीने के बाद रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म का, जिसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की घूमकेतु। बट फ्रेंड्स, घूमकेतु उन पहली हिंदी फिल्मों में से है जो कि थिएटर में रिलीज ना होकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, वहां पर रिलीज हुई है। घूमकेतु आज ही रिलीज हुई है रात को, एंड ये आपको देखने मिलेगी Z5 प्रीमियम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। वेल फ्रेंड्स, चलिए आज के एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म घूमकेतु। वेल फ्रेंड्स, घूमकेतु का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि द हार्ट ऑफ द फिल्म इज एट द राइट पोजिशन इन द राइट प्लेस, यानी कि इस फिल्म की जो दिल है वो करेक्ट जगह पर है, लेकिन जो आउटपुट आया है, जो एंड प्रोडक्ट आया है, वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ निराशाजनक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। एक्टिंग इस प्रकार की है सपोर्टिंग कास्ट की इस फिल्म में कि 1 घंटा 40 मिनट भी आपको सजा और टॉर्चर समान लगता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अगर हम इस फिल्म से हटा दें तो ये फिल्म लिटरली स्पीकिंग एक वर्ड में अनबेरेबल बन जाती है। हैमी कैरेक्टर्स, ओवर द टॉप डायलॉग्स, बैड एडिटिंग एंड इतना ओल्ड ट्रीटमेंट लगता है इस फिल्म का कि आप फिल्म बस कैसे भी करके कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। वेल फ्रेंड्स, ये फिल्म अब थिएटर में तो है नहीं कि आपको देखकर यू नो बैठकर देखना ही पड़ेगा। ये अभी ऑब्वियसली ऑनलाइन आ चुकी है, आप इसको फॉरवर्ड कर दोगे, आप स्किप कर दोगे, ऐसे बहुत सारे सीन्स है इस फिल्म में। इस फिल्म की सबसे बड़ी USP है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अमिताभ बच्चन जी है जो कि क्लाइमैक्स में आते हैं, वहां पर ये फिल्म में थोड़ी बहुत जान डाल देते हैं एंड इस फिल्म को एक अच्छे नोट पर हमें समाप्ति देखने मिलती है। इस फिल्म में बहुत सारे कैमियोज है, जैसे रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा स्ट्रेट आउट ऑफ द सेट्स ऑफ लुटेरे। यू नो रणवीर सिंह इतना यंग लग रहा है कि अनरिकॉग्नाइजेबल लग रहा है, सोनाक्षी सिन्हा भी काफी यंग लग रही है इस फिल्म में, चित्रंगना सिंह भी है इस फिल्म में, एंड ये सब हमारे बॉलीवुडिया यू नो कैमियोज है। बस क्या है कहानी फिल्म घूमकेतु की, बहुत ही सिंपल कहानी है। एक नौजवान युवक है, इतना भी नौजवान नहीं, 31 ईयर्स का है, उसे बनना है राइटर। अब राइटर बनने की यू नो चाह में उसकी जो रिश्तेदार रहती है इला अरुण, यू नो इला अरुण चोली के पीछे क्या है, वो इस फिल्म में इस तरह से डकार लेती है कि पूरा गांव बेहोश हो जाता है। वो इस घूमकेतु को बोलती है, बेटा बंबई चले जा, तू तो शाहरुख से मिल ले, आमिर से मिल ले, सलमान तेरी पिक्चर कर ले, इतने भी डायरेक्टर सब घर पे बैठ जाए, तेरी पिक्चर बन जाए। वो उसको घर से भगवा देती है। अब इनके घर में इनके तो फादर रहते हैं वो रघुवीर यादव। अब रघुवीर यादव ने इस फिल्म में इतना पकाया है, इतना जोर से चिल्लाया है, सुई सुई मटर 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 सुई सुई, ओ जो भी भाई इस फिल्म की स्क्रीन पे लिखा है, ही इज डन अ रिडिकुलस जॉब इन दिस यू नो टोटल मैस ऑफ एन अफेयर। पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा इस फिल्म के डायरेक्टर है एंड उन्होंने तो बहुत ही खराब तरीके से डायरेक्शन किया इस फिल्म का। तो अब घूमकेतु भाग जाता है मुंबई। अब उसका घर वाले सब परेशान, रघुवीर यादव परेशान, बेटा भाग गया। वो पॉलिटिकल प्रेशर लगाकर यू नो एक इंस्पेक्टर को कहते हैं कि अरे केस ट्रांसफर कर दीजिए, लखनऊ से भागता है, वहां से केस ट्रांसफर कर दीजिए मुंबई में। एंड वहां पर मुंबई में कमिश्नर एक केस देती है अनुराग कश्यप को। अनुराग कश्यप बसप, उसने तो मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको मतलब सिट्टा मरा के रोड पे चलाने को भूल दिया। उसके यहाँ पर दादाजी बाबूजी, उनका इतना बड़ा यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन सीन दिया गया है कि यू नो दादाजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनको गोली मार देते हैं, यू नो उनको किडनैप हो जाते हैं, फिर बाप पुलिस वाला बनता है, ये भी पुलिस वाला बनता है। उसको जिम्मेदारी देते हैं घूमकेतु को ढूंढने के लिए। अब क्या वो घूमकेतु को ढूंढता है या नहीं ढूंढता है, 30 दिन है उसके पास। कॉमेडी ये है कि घूमकेतु उसके बगल के घर में रहता है, जैसे कहते हैं फिर हेरा फेरी में, अबे येड़े जॉनी लीवर और परेश रावल बाजू बाजू में रहते हैं, यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहता है, यहाँ पर अनुराग कश्यप रहता है। और फ्रेंड्स, अगर आप एक फिल्म बना रहे हो किसी राइटर की स्ट्रगल पे, एटलीस्ट सब फिल्म सेट्स दिखाओ, अलग अलग डायरेक्टर्स के पास जा रहा है, अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास जा रहा है, किस तरह से मुंबई में रहने के लिए उसके पास कठिनाई हो रही है, खाने को पैसे नहीं, ये वो स्ट्रगल दिखाना तो प्रॉपर दिखाना। इस फिल्म में स्ट्रगल के नाम पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ एक ही डायरेक्टर के पास जाता है, उसी को बार बार अलग अलग कहानियां सुनाता है, ऐसा कुछ इनोवेटिव नहीं लगा। ऑब्वियसली कहते हैं फिल्म बहुत पुरानी है, आई थिंक 2013 का कैलेंडर लगा है इस फिल्म में, 2014 के आसपास ये फिल्म यू नो बन के रेडी हो गई थी, तो बहुत ही पुरानी फिल्म है, आज की ऑडियंस इस फिल्म से कनेक्ट नहीं करेगी अनफॉर्चुनेटली। अब क्या अनुराग कश्यप इस बंदे को पकड़ पाता है, नहीं
सबसे बड़ा इस फिल्म का जो पागलपना ये है, रागिनी खन्ना नाम की जो एक्ट्रेस है, आई थिंक गोविंदा की कोई रिलेटिव है, वो यहाँ पर इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बीवी बनी है। उसकी एंट्री इस फिल्म में 1 आवर 33 मिनट्स के बाद होती है। मतलब पिक्चर की हीरोइनी 1 घंटा 33 मिनट के बाद आती है, और ये बंदी पिछले 1 हफ्ते से फिल्म को इतना प्रमोट कर रही है 5 मिनट के रोल के लिए, तो सबसे हेयर से। चले गए, आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या आपको देखनी है नहीं देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, जब्त करूंगा सांसें मेरी, दिल तेरा फिर से धड़कना चाहिए, आप हमसे कितना भी खफा हो फिर भी फकौप नहीं बोलना चाहिए, फकौप नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग्स है इस फिल्म में। तेरी चेसिस कैसी हिलती है, ऐसे का डायलॉग्स है इस फिल्म में। ओके टाटा बाय बाय नाम के आइटम नंबर्स है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इमेजिन करता है। लॉरेन गॉटलिब जो कि ABCD 2 में थी, वो काफी पॉपुलर थी बंदी वो टाइम पर, तो उनका एक गाना है इस फिल्म में। एंड यहाँ पर अनुराग कश्यप जो है वो पुलिस ऑफिसर जो बने हुए इस फिल्म में, उनका रोल अच्छे से लिखा गया है। एंड अनुराग कश्यप स्लीप्स वॉक्स द रोल, लेकिन क्लाइमेक्स आते आते उनके भी रोल में जो स्टीम है वो खत्म हो जाती है। अब गाइस यहाँ पे इला अरुण जो है वो, उनका रोल भी काफी बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, वो एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेती है। रघुवीर यादव इस फिल्म में काफी ज्यादा पका के निकल जाते हैं, एंड होते होते वो और पकाऊ लगते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अलग अलग फिल्म जो इमेजिन करता है, जो हॉरर फिल्म एक फॉरेन की महिला स्विमिंग करते हुए उसे पीछे से सांप पकड़ लेता है, वो काफी हिलेरियस है। चित्रांगना सीन का एक बहुत ही विंटेज लुक है, विंटेज सीन और काफी हॉट लगी है इस फिल्म में। अब गाइस यहाँ पर रणवीर सिंह एंड सोनाक्षी सिन्हा का जो सीन है ट्रेन का, वो भी काफी अच्छा तरीके से पिक्चराइज किया गया है। एंड बात करें और सीन की, तो स्टार ट्रेक जो बहुत पुराना यू नो अमेरिकन सीरीज था, फिल्म भी बनी है, उसको यहाँ पर रिक्रिएट किया गया है, वो भी काफी ठीक ठाक लगता है। एलियन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, मतलब फिल्म का कोई सर कोई पैर नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है कुछ भी दिखा रहा है। ऑल इन ऑल गाइस फिल्म काफी खराब तरीके से एडिट की गई है, फिल्म का स्क्रीन पे एकदम बेकार है, जो एडिट ऐसा लगता है कि बस 5-6 सीन जोड़ दिए गए हैं एंड फिल्म को लिटरली स्पीकिंग बना दिया गया। ऑल इन ऑल गाइस घूम के तो जो फिल्म है वो आपको काफी निराश करती है, ऑलमोस्ट अनबेरेबल हो जाती है। 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म, रन टाइम बहुत कम है, लेकिन फिल्म काफी पुरानी लगती है, काफी बोरिंग एंड काफी यू नो ओवर द टॉप लगती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैज डन अ वेरी गुड जॉब, उनके काम में खामियां निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। मुंबई के सीन्स जितने दिखाने चाहिए उतने नहीं दिखाए हैं। माटुंगा का कूलर्स कैफे जहाँ पे काफी अच्छे अच्छे सीन्स पिक्चराइज किए गए हैं, डायलॉग्स इस फिल्म के बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं, एंड बच्चन साहब जो आते हैं वो थोड़ा आपको चेहरे पर हंसी यू नो छोड़ के चली जाती है। डायरेक्टर जो है पुष्पेंद्रनाथ मिश्रा, ही हैज डन अ वेरी बैड जॉब। वेल फ्रेंड्स ये फिल्म यू नो ऑनलाइन है, आपके हाथ में फॉरवर्ड का बटन है, रिवाइंड का बटन है, यही OTT की खासियत है। रेकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन सबके पास जैसे पता है आपको फ्री टाइम है तो आप एक बार फिल्म को जाके देख सकते हैं। मैं देता हूं घूम केतु को 1.5 out of 5 stars। ओके गाइस एपिसोड पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमरन साई साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।